सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत कक्षायाम सर्वेषां स्वागतम अस्ति। बच्चों, आज हम आपके संस्कृत के सुरभि पुस्तक से शोभनम उपवनम त्रयोदशा पाठ पढ़ने वाले हैं, है ना। आप लोग जानते हैं कि वन जो है वो बड़े आकार में होता है, यहाँ बहुत से पशु पक्षी, बहुत से पेड़ होते हैं, और उपवन में वो वन का छोटा रूप है, जिसको हम कभी कभी उद्यान के रूप में भी जानते हैं, कभी और छोटे, जैसे आपने रायपुर में अगर देखा होगा तो बहुत सारे उद्यान हैं यहाँ पर। तो आइए हम देखते हैं कि जो है इस पाठ से आप क्या सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सीखने वाले हैं इदम, जिसका तात्पर्य होता है यह। इदम का तात्पर्य क्या होता है? यह। तो इसकी जो प्रथमा विभक्ति है, इसके नपुंसक लिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग इत्यादि में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के प्रयोग किस प्रकार किए जाएंगे, इस पाठ में आप देखेंगे। तो आइए हम पढ़ते हैं शोभनम उपवनम, ठीक है। तो देखिए, पहला भाग इदम उपवनम। इदम उपवनम, यहाँ पर इदम का शब्द का प्रयोग नपुंसक लिंग एकवचन के लिए किया गया है, है ना, जिसका तात्पर्य क्या हुआ? यह उपवन है। मनोहरम इदम उपवनम, अगर हम इसको अन्वय करेंगे तो इदम मनोहरम उपवनम, यह मनोहर उपवन है। चलिए दूसरे भाग में देखते हैं इयम मल्लिका लता। हाँ, तो यह जो है, इयम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग एकवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, है ना। तो यह मल्लिका लता, मल्लिका लता किसको बोला जाता है? हाँ बताइए, चमेली के फूल को, है ना। तो यह चमेली का फूल है, लता बेल जिसको हम बोलते हैं, लता किसको बोलते हैं? बेल। तो फूल के साथ बेल भी, तो मल्लिका लता चमेली के फूल के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। इमे शोभने लते, अब यहाँ पर देखिए इमे, इमे शब्द जो है लता के लिए, जैसे हमने स्त्रीलिंग का प्रयोग किया था, है ना, तो इसमें भी जो है ये लते, लते के लिए ये भी स्त्रीलिंग का है और यह द्विवचन का है। तो दो लताएं आपको दिख रही है, दो ठो लता अर्थात बेल। अब यहाँ पर क्या बोलेंगे? ये दोनों सुंदर बेलें हैं। अब देखिए आगे पढ़ते हैं इमाह हरिताह लताह। इमाह स्त्रीलिंग का, बहुवचन का प्रयोग हुआ, है ना। तो इमाह हरिता लता, तो ये हरी लताएं, हरी बेलें हैं। इमानी हरितानी पत्राणी, इमानी ये हरी पत्तियां है। इमानी मनोहराणी पुष्पाणी, तो ये मनोहर पुष्प हैं। पुष्प का तात्पर्य क्या हुआ? आ जाते हैं आप लोग फूल, ये मनोहर यानी सुंदर पुष्प हैं। चलिए आगे देखते हैं, तो देखिए आप लोग को ये चित्र दिख रहा है, हाँ बहुत सुंदर सुंदर क्या फूल खिले हुए हैं, कमल ना, ठीक। तो कहाँ खिलते हैं ये? तालाब में, सरोवर जिसको हम कहते हैं, तालाब को और क्या कहा जाता है? सरोवर। तो अयम सरोवर, यह सरोवर है। तत्र तानी मनोहराणी कमलानी, तत्र तानी, तत्र मतलब क्या होता है? हाँ, यत्र यहाँ और तत्र वहाँ, तो क्या हो गया ये? वहाँ वे सुंदर कमल हैं। अब देखिए फिर अयम मयूर, यहाँ पर अयम पुल्लिंग एकवचन का प्रयोग हुआ है, तो यह मयूर है, शब्द क्या हुआ? मयूरा, मयूर एकवचन के लिए प्रयोग हुआ, है ना, तो यह मयूर है। उसके बाद देखिए, हाँ आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर? दो भौरे दिख रहे हैं, है ना। तो इमो भ्रमराव, इमो भ्रमराव, तो इमो द्विवचन के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए दो, तो ये दोनों भौरे हैं। उसके बाद आगे देखिए, ये चित्र देखिए, इमाह तितिलिकाह, क्या हुआ है? इमाह तितिलिकाह, तो तितलियां आप लोग जानते हैं, तो इमाह, इमाह शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बहुवचन स्त्रीलिंग के लिए, है ना। तो ये तितलियां है, ये तितलियां हैं। हाँ, तो इमे कपोताह, इमे भी कौन सा हुआ? हाँ, ये पुल्लिंग है, क्या शब्द है? पुल्लिंग, बहुवचन का यहाँ पर प्रयोग हुआ। तो देखिए बहुत सारे कबूतर दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना आपको बहुत सारे कबूतर, ये तो पोता का तात्पर्य हुआ कबूतर, तो ये कबूतर हैं, ठीक है। उसका देखिए अयम अशोक वृक्ष, यहाँ पर वृक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है, वृक्ष का एक वचन वृक्ष हुआ, है ना, और अयम इसलिए जो है अयम शब्द का प्रयोग हुआ,
है ना। तो ये पुल्लिंग शब्द है, कौन सा शब्द है? पुल्लिंग, पुल्लिंग एक वचन का यहाँ पर प्रयोग है। तो यह अशोक वृक्ष है। अयम वट वृक्ष है, आपने देखा होगा आपके आसपास जो है बड़े से पेड़ जिसमें बहुत सारी जो है जड़ें दिखती हैं निकली बाहर की ओर, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? बरगद बोलते हैं, है ना। क्या कहते हैं उसको? बरगद। तो यह बरगद का पेड़ है। चलिए यहाँ पर फिर देखते हैं, देखिए क्या दिख रहा है आपको? हाँ ठीक, नीम का वृक्ष दिख रहा है। इमौ निम्ब वृक्षौ, निम्ब वृक्षौ का तात्पर्य क्या हुआ? नीम का पेड़ किसका है? नीम का। तो दो हैं यहाँ पर, तो इमौ किसके लिए प्रयोग हुआ? द्विवचन के लिए, है ना। वृक्ष का द्विवचन वृक्षौ हुआ, इसलिए यहाँ पर जो पुल्लिंग द्विवचन में हमने इमौ का प्रयोग किया। तो ये दोनों क्या हुआ? नीम के वृक्ष हैं, ये दोनों नीम के वृक्ष हैं। चलिए उसके आगे देखिए, इमे आम्र वृक्षाः, तो वृक्ष जो है पुल्लिंग है। अब हम किसका बहुवचन देख रहे हैं? वृक्ष का, है ना। तो वृक्षाः हुआ, तो इसलिए इमे का प्रयोग हुआ, तो इमे जो है वो भी बहुवचन के शब्द हमने प्रयोग किया है। तो ये आम के वृक्ष हैं। उसका देखिए, इमे हरिताः वृक्षाः, इमे यानी यहाँ पर भी देखिए बहुवचन का प्रयोग हुआ, हरिता वृक्षा, तो ये हरे वृक्ष हैं। इमानी मथुराणी फलानी, ये मधुर फल हैं। वृक्षा अस्माकं मित्राणि, वृक्ष हमारे मित्र हैं। वृक्ष क्या है? वृक्षाः, तो बहुत सारे वृक्ष, वृक्ष हमारे मित्र हैं। ते प्राणवायुदायकाः, ते वे क्या हैं? प्राणवायुदायकः, प्राणवायु का तात्पर्य क्या हुआ? किसको बोलते हैं प्राणवायु? हाँ बिल्कुल, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रदान करने वाले हैं। ते प्राणवायुदायकः, वे ऑक्सीजन प्रदान करने वाले या प्राणवायु प्रदान करने वाले हैं। अत्र भ्रमणम सुखदायकम, अत्र यहाँ भ्रमणम भ्रमण करना, सुखदायकम आरोग्यदायकम च, तो यहाँ भ्रमण करना सुखदायक और आरोग्य प्रदान करने वाला है। सुखदायक मतलब क्या हुआ? सुख प्रदान करने वाला, आरोग्यदायक आरोग्य प्रदान, आरोग्य अर्थात स्वास्थ्य, तो यहाँ भ्रमण करना सुखदायी और आरोग्य अर्थात स्वास्थ्यप्रद है। चलिए अब इसमें कुछ पंक्तियाँ कही गई है वृक्षों के लिए, तो हम देखते हैं क्या कहा गया है। वृक्षाणाम रोपणम फलदायकम यथा महाभारते लिखितम, वृक्षाणाम कर्तनम पापम वृक्षाणाम रोपणम हितम। वृक्षाणाम रोपणम फलदायकम, वृक्षों का जो है रोपण अर्थात वृक्षों को लगाना फलदायकम, फलदायक है अर्थात लाभ प्रदान करने वाला है। यथा महाभारते लिखितम, जैसा महाभारत में लिखा है, क्या लिखा है महाभारत में? वृक्षाणाम कर्तनम पापम, वृक्षों को काटना पाप है। वृक्षाणाम रोपणम हितम, और वृक्षों का रोपण करना, वृक्षों को लगाना लाभदायक है। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इदम के शब्द रूप देखे हैं, तो इसी से आधारित आपके लिए कुछ प्रश्न हैं, है ना। ये अभ्यास के प्रश्न हैं, आप थोड़ा देखिए इसमें जो है आपको उचित पद से रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ठीक है, तो इसमें शब्द हैं अयम इदम इयम, है ना। तो चलिए, खाली स्थान आम्र वृक्ष, देखिए क्या लिखा है, खाली स्थान आम्र वृक्ष, चलो बताइए। ठीक, बहुत अच्छे हैं। अयम खाली स्थान हरिताः लताः, हाँ बताइए क्या होगा? ठीक, बहुत अच्छे। इमाः क्या शब्द आ जाएगा? इमाः, है ना। इमा कौन सा वचन है? बहुवचन, है ना। लताः जब हम बोल रहे हैं तो बहुवचन के शब्द है, इसलिए इमा। ठीक है, बहुत अच्छे। उसका देखिए तीसरा प्रश्न आपके लिए, खालिस्थान सरोवर, हाँ अब सरोवर कौन सा वचन है, इसके आधार पर ये लगेगा, चलिए बताइए क्या आएगा उत्तर? अयम। ठीक, बहुत अच्छे। अब उसके बाद फिर देखिए, खालिस्थान भ्रमरौ, दिख रहा है? हाँ बहुत अच्छे, तो क्या हो जाएगा? इमौ भ्रमरौ। ठीक है, तो इस प्रकार आपने बहुत कुछ सीख लिया है। तो आइए आपके लिए गृह कार्य के हम कुछ प्रश्न दे रहे हैं।
ये देखिए यहाँ पर कुछ एक पैराग्राफ आपको दिया जा रहा है, दिख रहा है आपको पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में से आपको एक वचन, द्विवचन, बहुवचन वाले शब्दों को छांटकर उसके लिंग भी लिखना है, कौन से लिंग का है। ठीक है, तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, आप लोग इसको बनाकर अपने शिक्षक को दिखाएं। अयम अशोक वृक्ष, अयम वट वृक्ष, इमौ निम्ब वृक्ष, इमे आम्र वृक्ष, इमे हरिता वृक्ष, इमानी मधुराणि फलानि, वृक्षा अस्माकं मित्राणि, ते प्राणवायु दायकः, अत्र भ्रमणं सुखदायकं आरोग्यदायकं च। आशा करता हूँ कि यह पाठ आपको समझ में आया होगा, आप लोग जो हैं इसे बनाएंगे, पढ़ेंगे और अच्छे से, और अपने मित्रों को बताएंगे। हम मिलेंगे आपको अगले पाठ में। नमस्कार।